कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का कार्य किया है। साथियों, किसी देश की इकोनॉमी को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक रोबस्ट, सिक्योर और स्पीडी लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हुआ करती है। आज हमारा देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य में चाहे बैटलफील्ड हो अथवा सिविल सेक्टर, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस की क्रिटिकलिटी बढ़ने ही वाली है। ऐसे में अब तक चली आ रही लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था का रिव्यू और 21st सेंचुरी की जरूरतों के अनुसार उसमें रिफॉर्म करना आज के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में भी लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 3 वर्षों में रक्षा मंत्रालय में जो पॉलिसी चेंजेज हुए हैं उसमें तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस एक प्रमुख आयाम है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना के साथ हम सर्विसेज के बीच ज्वाइंटनेस की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ज्वाइंटनेस के चलते जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक फायदा हुआ है, लॉजिस्टिक्स उनमें से एक है।